Hello guys, I'm your host Shahid Tariq and welcome back to my channel Online Education. Aaj hum chapter 8 start karenge jiska naam hai Training and Developing Employees. Chapter ko start karne se pehle main batata chalun ki is pure chapter mein hum training ke bare mein iske processes training hoti kya hai iski zarurat kyun padti hai iske bare mein baat karenge. So further aage badhne se pehle मैं बताता चलूँ कि ट्रेनिंग जो है आपकी वो होती है कि जितने भी आपके करंट एम्प्लॉयज़ हैं या न्यू एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको ट्रेन करते हैं सो डैट जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जॉब की उसके लिए वो उस जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें. सो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. समराइज द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन बेसिकली आप जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं आप उनको ओरिएंटेशन देते हैं. एक बेसिक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं. ओरिएंटिंग एंड ऑनबोर्डिंग न्यू एम्प्लॉयज़, आप जो हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को वेलकम करें, आप उनको फील करवाएं डैट दे आर एट होम, आप उनको बेसिक इंफॉर्मेशन दें कंपनी के बारे में, कंपनी के रूल्स, उनकी पॉलिसीज़, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, कंप्यूटर पासवर्ड्स, एवरीथिंग, आप उनको तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जो वो है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसकी हायरार्की क्या है और वो किस तरह से रन कर रही है. सोशलाइजेशन, आप उनको मौका दें सो डैट वो दूसरे एम्प्लॉयज़ अपने कोलीग्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करें और वो जल्दी से उनके साथ सोशलाइज हो जाएँ. देन ओरिएंटेशन प्रोसेस, एम्प्लॉई हैंडबुक्स होती हैं जिसमें एम्प्लॉई हमें एम्प्लॉई मैनुअल भी उसे कहते हैं, उसमें सब कुछ मेंशन होता है जो न्यू एम्प्लॉई ने परफॉर्म करना होता है, उसमें जॉब की तमाम ड्यूटीज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लिखी होती हैं, वो मेंशन होती हैं. सो जो ओरिएंटेशन प्रोसेस है उसमें आप एम्प्लॉई हैंडबुक उसको दे सकते हैं कि उसको कोई मुश्किल ना हो ताकि वो ईजीली अपने काम को परफॉर्म कर सके. ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, आप ओरिएंटेशन दे सकते हैं थ्रू वेबसाइट, थ्रू द वीडियो मैसेजेस, आप उसके ज़रिए भी जो है कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि व्हाट इज़ योर कंपनी ऑल अबाउट. देन हम व्यू कर लेते हैं जो पिछली दो स्लाइडें हमने देखी हैं. पर्पज़ क्या है ओरिएंटेशन का, आप उनको वेलकम करवाएं, उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन दें न्यू एम्प्लॉयज़ को, उनको अंडरस्टैंड करवाएं कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, वो अच्छे से सोशलाइज कर सकें. एम्प्लॉय इस ओरिएंटेशन का मकसद ये भी होता है. देन हमने देखा प्रोसेस, एम्प्लॉय हैंडबुक होती है, ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजीज होती है एंड ट्रेनिंग प्रोसेस ओवरव्यू. Now list and briefly explain each of the steps in the training process. अब हम training process का जो देखते हैं उसमें कौन कौन से steps मौजूद हैं. Overview of the training process. Inadequate training can expose the employer to liability for negligent training. अगर आप अपने employees को गलत training दे रहे हैं तो उसका जो है ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ employer ठहरता है, क्योंकि उसका मकसद यही है कि जो एम्प्लॉई है उसने ठीक से काम नहीं किया, उसने किसी थर्ड पार्टी को हार्म किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, तो इससे जाहिर होता है कि जो उसकी ट्रेनिंग है वो ठीक से नहीं करवाएगी. तो अगर आपको वो कोर्ट में सू भी करता है तो जो है कोर्ट उसको जो है कुछ नहीं कहेगी, आपको ख़िलाफ़ जो है वो सू कर सकती है आपको, क्योंकि आपकी जो है वो ट्रेनिंग उसमें गलत हो सकती है, आप गलत उसको मे बी ट्रेन किया हो कि जो उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया. ट्रेनिंग बिगन्स आफ्टर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की बिल्कुल बाद जो है ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. कुछ कंपनीज जो हैं उनमें ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो 1 to 2 weeks होता है. सो उसके बाद जो है उनको ट्रेनिंग जो है वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है. आप एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे पूछें कि उनको कौन सी जो हैं कंपिटेंसीज उनको रिक्वायर्ड हैं, क्या वो किस चीज़ में वो लैक कर रहे हैं, ताकि आप उनको अच्छे से उनकी जो लैकिंगनेस है उसमें आप उनको दूर कर सकें और वो अच्छे से वो ठीक से वो काम को परफॉर्म कर सकें. देन ओवरव्यू ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस, अलाइनिंग स्ट्रेटजी एंड ट्रेनिंग. जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आप का जो विजन है कंपनी का, उसको जो है आपके ट्रेनिंग के साथ अलाइन करें,
आप एम्प्लॉइज को बताएं कि ट्रेनिंग का मकसद क्या है, इस हम अपनी कंपनी को कहाँ पे देखना चाहते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद कौन से गैप्स दूर होंगे उनको प्रॉपर बताया जाए, तो जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको ट्रेनिंग के साथ अलाइन किया जाए। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस जो है वो आपस में लिंक्ड हैं। अब आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं जिस चीज़ में वो लैग कर रहे थे ट्रेनिंग के बाद, जो है ज़्यादातर यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो है उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप स्किल्ड हो जाएंगे, तो जो है आपकी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस जो है वो बूस्ट अप हो जाएगी, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। देन ADDIE 5-step ट्रेनिंग प्रोसेस को एडी प्रोसेस भी कहते हैं। हम देखते हैं इसमें स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट इसमें है एनालाइज, आपने एनालाइज करना है कि डेफिशिएंसीज क्या हैं, उन डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए आप जो है बेस्ट तरीका जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें, उसके मुताबिक जो है ट्रेनिंग आप डिज़ाइन करें, एनालाइज करें। देन सेकंड स्टेप है डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग, डिज़ाइन करना है आपने कि आप ट्रेनिंग किस तरह से उनको प्रोवाइड करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे, किस तरह से आप उनको डिलीवर करेंगे, जो यहाँ पे आपने पूरा मैप इख्तियार करना है, उसके मुताबिक जो है आपने फिर उसको डिवेलप करना है। डिवेलप का मतलब है मटेरियल आप तैयार करेंगे, डिवेलपिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्लीमेंट, जो आपने डिवेलप किया उसमें जो है आपने अब इम्प्लीमेंट करवाना है, जो जो मेथड्स आपने बनाए, जिस जिस तरह से आप ट्रेन करना चाहते हैं, जो जो आपके मकासद हैं, यहाँ पर इस स्टेज पर आके आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। देन जो लास्ट स्टेप आपका आता है एवेलुएट, अब आपने एवेलुएट करना है, ऊपर वाले सारे स्टेप्स करने के बाद यू विल एवेलुएट कि जो हमने ट्रेनिंग दी है क्या उस ट्रेनिंग से फ़र्क पड़ रहा है, क्या उससे ट्रेनिंग करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, डेफिशिएंसीज दूर हो रही हैं, अगर नहीं तो आप जो है वो फर्दर दोबारा से आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकते हैं और इसी स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। कंडक्टिंग द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा स्ट्रेटजिक नीड्स जो हैं उसके मुताबिक आप करते हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है जिसमें आप एक स्ट्रेटजी बनी होती है, आप कहां पर जो है फ्यूचर जॉब्स में आपको जो है कंपनी फॉर एग्जांपल एक्सपेंड करना चाह रही है तो एक्सपेंड करेगी, या प्रोडक्ट लाइन जो है उसमें एक इजाफा करना चाह रही है तो उसके लिए आपको जो है न्यू जॉब्स हायर करनी पड़ेंगी, तो हायरिंग करेंगे तो उसके बाद स्ट्रेटजिक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चाहिए कि आप कौन कौन सी आपने ट्रेनिंग्स देनी है ताकि जो है आपकी जो जितनी भी आने वाली जॉब्स हैं उसमें कोई भी डेफिशिएंसी ना हो और जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने काम को ठीक से परफॉर्म कर सकें। परफॉर्मेंस एनालिसिस करंट एम्प्लॉयज ट्रेनिंग नीड्स, डेफिनेशन जो है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके नाम से पता चल रहा है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। करंट ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, इसमें जो है आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि आया हम ठीक लाइन पर जा रहे हैं, हम ठीक से ट्रेन कर रहे हैं या नहीं। टास्क एनालिसिस जो है वो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए होता है कि आपने उनको किस तरह से ट्रेन करना है, उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन और वैल्यूएशन किस तरह से होगी। टैलेंट मैनेजमेंट जो है एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का, उनको ट्रेन करने का, उनको कंपनसेट करना, उनकी परफॉर्मेंस को देखना और उसको डेवलप करना, ये भी आपकी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में आता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस देखना है सब कुछ करने के बाद, जो आपने एनालिसिस करना है परफॉर्मेंस का कि एम्प्लॉय किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसको एनालाइज करना है, डेफिशिएंसीज दूर हुई हैं, ड्रॉबैक्स दूर हुए हैं या नहीं। देन कांट डू वॉन्ट डू, ये एक सिचुएशन होती है जिसमें कांट डू कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेन करने के बाद भी, उससे पहले भी जो वो कर ही नहीं सकते आपको पता होता है, और वॉन्ट डू आप कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं, आप उसके बाद उनको ट्रेन भी करते हैं बट स्टिल दे कांट डू वट यू वॉन्ट लेट टू वॉन्ट देम टू डू, वो फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि उनमें वो मोटिवेशन नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। सो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। देन कम्स डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरह से डिज़ाइन करना है। सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेनिंग को डिज़ाइन करने से पहले आपका ये जो पहला स्टेप आता है, आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ट्रेनीज़ को बताने हैं कि आप जो हैं कि हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको क्यों ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन करने के बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव जो है क्या क्या होंगे, हम क्यों ट्रेन करना चाहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने बेसिकली इनको बताना है ताकि ट्रेनीज़ को एक मैप नज़र आ जाए कि हम ट्रेन होने के बाद हमने किस तरह से परफॉर्म करना है ताकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मीट हो जाएं। क्रिएटिंग अ मोटिवेशनल लर्निंग इन्वायरमेंट,
ट्रेनिंग जितने भी हैं आपने उनको इस तरह से ट्रेन करना है सो डैट दे फील मोटिवेटेड, उनको डिग्रेड नहीं करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है ताकि जितने भी आप जिस तरह से उनको ट्रेन करें वो ईजिली उनको ग्रेस्प कर सकें और उस पर उनकी कमांड हो जाए और उनमें कोई हेजिटेशन या इस तरह की बात ना हो जिसकी वजह से वो अच्छे से सीख ना सकें। आपने उनको एक मोटिवेशनल इन्वायरमेंट करना है जिसमें वो ठीक से मोटिवेटेड रहेंगे और जो है वो अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के बाद जो है वो स्किल वर्कर बन जाएंगे। देन डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें आप देखते हैं मेक द लर्निंग मीनिंगफुल। आप जो है उनको बर्ड्स आई व्यू दे सकते हैं एक ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग बेसिकली आप कौन सी करवा रहे हैं और इसका मकसद क्या है। फेमिलियर एग्जांपल्स आप उनको एग्जांपल्स दें ताकि जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो उसको समझना, ताकि वो इजीली उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। ऑर्गेनाइज करें उसको, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, रीज़नेबल तरीके से फेमिलियर टर्म्स यूज़ करें, ठीक है। परसीव्ड नीड, उसको जो है ज़रूरत उसको बताएं ये है क्या, तो ठीक है ये हम उसमें एक मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। और देन मेकिंग स्किल्स ट्रांसफ़र ऑब्वियस एनर्जी, जैसे हमने लास्ट राइड में भी देखा ये उसी से रिलेटेड है। सिमिलैरिटी होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग में, करंट सिचुएशन में ट्रेनिंग में, देन आप उसको जो है ट्रेन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रैक्टिस करवाएं। जैसे वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आप जो है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, उनको लेवल करें, उनकी अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा आप लें, हेड्स अप करें, मतलब उनको एक अटेंटिव होकर जो है वो ट्रेनिंग के प्रोसेस में से गुजारें और बड़ा इजी करके उनको जो है आप ट्रेनिंग करवाएं। और जो है एक पेस रखें, क्योंकि जो ट्रेनीज हैं वो अपने पेस के साथ ज़्यादा वो अच्छे से सीख लेते हैं। आप उनके साथ कुछ ज़्यादा सख्ती मत कीजिए, ना उनको ज़्यादा लीनियंट रखिए, आप एक पेस रखें उस पेस में जो आके वो आपके साथ जिसमें वो एडजस्ट हो सकें, आप भी और वो भी जिसमें वो कम्फर्टेबल हो जाएं, देन आप उनको ईजीली जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्किल्स। Developing the program, assemble training content and materials, training methods, जी जो content से training के जितने भी methods हैं आप उनको iPads के through कर सकते हैं, उनको workbooks, आप lectures दे सकते हैं, then PowerPoint slides होती हैं presentations के जरिए, web and computer based activities, course activities हो सकती हैं, then trainers resources and manuals, handbooks जो हैं वो दे सकते हैं, sporting material कितने भी हो सकते हैं, उसमें आपकी DVDs हो सकती हैं, CDs हो सकती हैं, presentations हैं, videos हैं, जितने भी आपके उसमें हैं sporting मटेरियल्स वो आप उनको करवा सकते हैं ताकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है वो अच्छे से डेवलप कर सकें। देन कम्स द ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस। हमारे पास ट्रेनिंग प्रोसेस होते हैं टू टाइप्स के, एक आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और एक आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोसेस देखते हैं। प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए उनकी, प्रेजेंट द ऑपरेशन, देन ट्राई आउट एंड फॉलो अप। ये जो हमने स्टेप्स लिखी हैं ये प्रॉपर प्रोसेस है, इसके मुताबिक जो है अगर आप उनको ट्रेनिंग को यहाँ से गुजारें, प्रिपेयर करें, उनकी जो है उनको ऑपरेशन बताएं कि ट्रेनिंग का ऑपरेशन किस तरह से होगा, ट्राई आउट करें एंड फॉलो अप, उसी को आप फॉलो अप करते चले जाएं, तो आपका ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये अब हम इसके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स हैं वो देखते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है ये जो आपका एम्प्लॉय है जॉब परफॉर्म करता है ऑन द जॉब, जो उसकी परफॉर्मेंस साथ साथ चलती रहती है, वो जॉब भी परफॉर्म करता है लेकिन जो है उसको क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये ज़्यादातर इसकी ही एग्जांपल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में होती है, इसकी जो है वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो ये एग्जांपल जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में आती है। इनफॉर्मल लर्निंग जो है, इंसान जो है वो एक सर्वे भी है एचआर टीम का कि 80% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनफॉर्मल लर्निंग से सीखते हैं, वो जॉब का एक्सपीरियंस करते करते जो है वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और ज़्यादा अच्छा सीख लेते हैं। देन जो है वो ज़्यादातर इसकी एग्जांपल जो है वो लंच ब्रेक में जो है अपने कोलीग्स के साथ मिलकर बातें शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहाँ से जो है वो इनफॉर्मल लर्निंग हो जाती है। आगे हमारे पास जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के और भी मेथड्स हैं जिसमें जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग होती है। ये एक सीक्वेंस के साथ ये ट्रेनिंग है, इसमें आप सीक्वेंस के साथ सीखते हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, देन आप जो है वो जॉब पर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए परफॉर्म करते हैं, देन आपके पास लेक्चर्स आते हैं,
लेक्चर्स जो हैं वो सबसे अच्छा मेथड है। आप बहुत से एम्प्लॉयज़ को एक ही बार में सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं थ्रू लेक्चर्स। ये भी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड है। देन प्रोग्राम लर्निंग होती है, इसमें जो है जो एम्प्लॉयज़ को क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो क्वेश्चंस को एनालाइज करें, उनका आंसर करें, और जो है वो उसी वक्त जो है उनका फीडबैक उसको दिया जाता है कि वो किस तरह से जो वो है वो परफॉर्म कर रहे हैं या किस तरह से वो आंसर कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग। बिहेवियर मॉडलिंग होती है, इससे आपको जो है ट्रेनिंग से पता चल जाता है एम्प्लॉयज़ को कि जॉब को जो है करने का व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द जॉब, ये बिहेवियर मॉडलिंग होती है। देन ऑडियो विजुअल बेस्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें आपकी सीडीज़ डीवीडीज़ होती हैं, आप जो है उसके ज़रिए ट्रेन कर सकते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है वो एक सिमुलेशन टाइप ट्रेनिंग होती है, आप सिमुलेशन पे जो है वो ट्रेन करते हैं एम्प्लॉयज़ को, जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कुछ हैं वो हम देखते हैं। पहला जो है वो केस स्टडीज़ हैं। केस स्टडीज़ आप एक सिनेरियोस देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उस केस स्टडी में जो है वो एम्प्लॉय को उसकी जो एनालिसिस करना पड़ता है केस स्टडी का, उसमें प्रॉब्लम क्या है उसका डायग्नोस किया जाता है, देन उसका कोई सोल्यूशन बताया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो खुद से जो है वो अपना फीडबैक देता है, उसको हम जो कहते हैं केस स्टडी मेथड। कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट गेम होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं एमसीक्यूज टाइप, या इस तरह से कुछ सिनेरियोस दिए जाते हैं, मैनेजमेंट गेम्स होती हैं जो है वो ऑफ द जॉब है वो घर पे भी आप कर सकते हैं, जिसको हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। आउटसाइड आपके सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार्स में आपको ट्रेन किया जाता है। देन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स कुछ होती हैं, आपके इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं जिसमें जितने भी जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं और वहाँ पर जाते हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पर जो इजीली जो है वो ऑफ द जॉब वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। रोल प्लेइंग, आप जो है एम्प्लॉय को जो है उसमें एक रियलिस्टिक सिचुएशन में जॉब की वो डालते हैं, ताकि वो अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो उसको एक रोल दिया जाता है कि वो इस रोल में रहते हुए ऐसी सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करेगा। सो इसे हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। तो ये थे सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। सो ये था जी हमारा चैप्टर 8 ट्रेनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके अंदर हमें कमेंट्स दीजिए, अपना फीडबैक बताइए हम किस तरह से कर रहे हैं, हमें जो है वो कुछ ठीक करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताइए, हम जो है फीडबैक को बड़ा पॉजिटिव ले लेते हैं। देन आप हमारी इन वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएं। सो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड।